बड़ा तोहफा जो है अधिकारियों को दिया गया है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां ग्लोबल समिट में एमओयू की ग्राउंडिंग तेज और ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर तक अधिकारियों को रिपोर्ट देनी है। इन्वेस्टर्स समिट में हुए थे 3.54 लाख करोड़ के एमओयू और अब इसके ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। दिसंबर तक अधिकारियों को रिपोर्ट देनी है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां ग्लोबल समिट में एमओयू की ग्राउंडिंग तेज होती हुई नजर आ रही है। अभी जो पहली बार सीएम साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें जितने सेक्रेटरीज हैं उनको उनके सेक्टर से रिलेटेड जो एमओयूज हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट दे दिया है। अभी ये टास्क दिया है कि आप दिसंबर महीने के अंत तक जो है सबसे टेलीफोनिकली किसी नोडल ऑफिसर को नामित करें, को टेलीफोनिकली वार्ता कर लेंगे और किसकी कितनी सीरियसनेस है उसको समझ लेंगे और उसको जो एमओयूज हैं उसको ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये कैटेगरी में जो बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर हैं उनको ये कैटेगरी में रखा जाएगा और जो बी कैटेगरी में आएंगे वो थोड़ा बहुत उनको सरकार से और सहयोग की जरूरत है, उनको बी कैटेगरी में रखा जाएगा और सी कैटेगरी में थोड़ा नॉन सीरियस टाइप के हैं उनको सी कैटेगरी में रखा जाएगा और पूरी कोशिश होगी ए और बी कैटेगरी के जो हैं वो 100% ग्राउंडिंग हो जाए। अपडेट के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लगातार उत्तराखंड में किस तरह से विकास हो इस पर काम किया जा रहा है और अब धरातल पर परियोजनाओं को उतारने की तैयारी है, ग्राउंडिंग तेज कर दी गई है, क्या जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आप देख भी रहे होंगे और हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों की टीम के साथ देश विदेश के दौरे किए, उसके बाद फिर यहां पर एक 8 और 9 तारीख को पिछले यहां पर एक मेगा इवेंट हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिभाग किया और दोनों दिन तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। इनमें वो एमओयू भी साइन थे जो देश विदेश में किए गए थे और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग उसी दिन हो गई थी जिस दिन यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सामने हो रहा था। इसके बाद जो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के जो एमओयू साइन हुए हैं, जो बचे हैं अभी ग्राउंडिंग होने के बगैर, उस पर एक लगातार मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक पूरी टाइमलाइन बना दी है कि हर 15 दिन में मुख्य सचिव और 1 महीने में मैं इसकी बैठक करूंगा, इसकी समीक्षा करूंगा कि अधिकारी कितना काम कर रहे हैं। ए बी सी तीन तरह की कैटेगरी में पूरे के पूरे निवेश को बांट दिया गया है और उस निवेश को बांटने के बाद फिर ये है कि जो संबंधित विभाग के जो एमओयू है, मान लिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ होना है या हेल्थ में कुछ होना है, तो ये संबंधित विभाग के सचिव भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और वो उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने एमओयू साइन किए थे। उनके साथ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई अड़चन, कोई वैधानिक अड़चन तो नहीं है। वो फिर जो नोडल विभाग है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनसे संपर्क करेंगे और उनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको दूर कराकर उनको ग्राउंडिंग करवा करेंगे। बहुत ही ठोस सरकार है, अब देखना यह कि जितने भी है जितना रखी गई है 15 फरवरी तक मैक्सिमम एमओयू को ग्राउंडिंग करने की बात है, तो फिर ये किस तरह से आगे ये चीजें बढ़ती हैं, किस तरह से नहीं। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। तो ग्राउंडिंग को लेकर अधिकारियों को भी